ध्रुव और विक्की जुल्मी के साथ जैसे ही कुएं के पास पहुंचे उन्हें घबराहट होने लगी। एक तो पहले ही अमावस की वजह से वहां घोर अंधेरा पसरा हुआ था, ऊपर से ये जगह गांव के बिल्कुल बाहरी हिस्से में था, जहां गलती से भी किसी इंसान का होना मुश्किल ही नहीं असंभव था। कभी कभी आती झिंगुरों और दूर से कुत्ते के रोने की आवाज से यहाँ का माहौल और मनहूस सा लग रहा था। ये तीनों लड़के इस वक्त कुएं से कुछ दूर पर एक पेड़ की आड़ में खड़े थे और ये पक्का कर रहे थे कि कहीं सुमेर का कोई आदमी यहाँ है तो नहीं। इतने में जुल्मी ने अपना चश्मा उतारा और तेल से चिपके अपने बालों पर हाथ फिराता हुआ बोला, डरिए नहीं, अरे हमारे होते कोई आपको टच नहीं कर सकता, बेधड़क आगे बढ़िए। उसकी ये जोशीली बात सुनकर ध्रुव टोंट मारते हुए बोला, और यहाँ जो तुम्हारे गांव की भूतनी रहती है ना बेटा, उसे तुम्हें टच करने की जरूरत है भी नहीं, तुम्हारे इस फिगर को सिर्फ फूंक से उड़ा देगी। ध्रुव के इस मजाक पर जुल्मी उसे उंगली दिखाता हुआ बोला, आदमी टू आदमी बात करिए, बाड़ी के बारे में कोई गलत बात मत करिए, हम रोज एक घंटा आउट वर्क करते हैं। ये कहते हुए वो अपने डोले दिखाने लगा, जिस पर विक्की उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अरे बाबा रे जुल्मी, तुम्हारे पास डोले नहीं छोले हैं, वो भी काबुली साइज के। जुल्मी इन लोगों की बात पर तपाक से बोला, देखो ऐसा है, हमारे रुपीज निकालो, हम जा रहे हैं, हमारा काम था तुम लोगों को यहाँ डिलीवर करना और तुम लोग यहाँ सुरक्षित पहुँच गए हो, अब हमारा काम फिनिश। विक्की ने देखा अब जुल्मी नाराज हो रहा है तो वो जल्दी से बोला, अरे भाई जुल्मी यार, दोस्ती यारी में हंसी मजाक तो चलता ही है ना, अब तुम जैसा बहादुर इंसान हमें यहाँ तक ले आया और अगर तुम चले गए तो सच में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। भाई मेरे थोड़ी देर और रुक जा, फिर सब साथ में चलते हैं ना। विक्की की मीठी बातों को सुनकर और अपने लिए बहादुर शब्द से जुल्मी फूल कर कुप्पा हो गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता जोर से छपाक की आवाज आई जैसे कोई पानी में गिरा हो और तीनों की नजर कुएं की तरफ चली गई। ये आवाज कैसी? ध्रुव कुएं पर नजर जमाए हुए बोला। विक्की धीमी आवाज में बोला, ऐसा लगा जैसे कोई पानी में गिरा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त पानी में कोई कैसे गिर सकता है, क्योंकि कोई यहाँ दिख तो नहीं रहा है। ध्रुव धीमे से बोला, मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए। ये तू क्या कह रहा है, जरा यहाँ का माहौल देख और कुछ हो ना हो सदमे से हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। विक्की अपने चारों तरफ देखते हुए बोला। इन दोनों की बातों पर जुल्मी ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा, आप लोग बात कीजिए तब तक हम देख कर आते हैं। विक्की हैरानी से बोला, क्यों भाई तुझे डर नहीं लगेगा? लेकिन विक्की की बात पर जुल्मी हंसता हुआ बोला, डर डर नाम का कोई चीज जुल्मी के डिक्शनरी में है ही नहीं, बस देखते जाओ जुल्मी का कमाल। इतना कहकर जुल्मी स्टाइल से चलते हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जुल्मी शेखी के चक्कर में अकेला आगे बढ़ तो गया था, लेकिन जब कुछ कदम चलने के बाद अंधेरी रात के सन्नाटे को उसने महसूस किया, तब डर से उसके पैर कांपने लगे और माथे पर पसीना टपकने लगा। अपने आप को कोसता हुआ जुल्मी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बोला, अब मां सही कहती थी बेटा जुल्मी, एक दिन अपने बड़बोलेपन में बुरा फंसेगा। हाय अम्मा ये भी बता देती कि वो दिन इतनी जल्दी आने वाला है तो मैं घर पर ही रहता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मारे डर के जुल्मी को सारे पाठ और मंत्र याद आ रहे थे, लेकिन अब वो कुएं के बिल्कुल पास आ चुका था। तभी कुएं के पानी में हलचल सुनाई देने लगी। ये सुन जुल्मी के पैर वहीं थम गए। उसने देखा कुएं के पानी में हलचल इतनी तेज हो गई कि वो बवंडर की तरह गोल गोल घूमता हुआ कुएं के बाहर आकर एकदम उसके सामने रुक गया। जुल्मी चाहकर भी पीछे नहीं जा सकता था, उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, पानी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। जैसे ही वो चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है, कुएं का पानी उसके मुंह पर आकर टकराता है और जुल्मी की आवाज बंद हो जाती है। मुंह खुला बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखता हुआ जुल्मी किसी पुतले की तरह वहीं जमीन पर खड़ा था। इधर ध्रुव ने विक्की से कहा, इस जुल्मी को गए काफी वक्त हो गया है और वो ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ा है, चलो देखें कहीं भूतनी आकर उसी पर तो जुल्म नहीं कर गई। इतना कहकर ध्रुव हंस पड़ा और फिर अगले ही सेकंड सीरियस होकर बोला, विक्की बहुत टाइम वेस्ट हो गया और अब ये श्योर हो गया कि यहाँ सुमेर के लोग नहीं है, चलो जल्दी से आसपास अच्छी तरह देख कर निकले। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी विक्की उसके साथ चलने लगा और कुएं के पास जाकर उन्होंने देखा जुल्मी किसी भूत की तरह खड़ा था। विक्की जल्दी से उसके पास गया और जैसे ही उसने जुल्मी के कंधे पर हाथ रखा वो धड़ाम से नीचे गिर गया।
विक्की और ध्रुव ने गौर से देखा तो जुल्मी का मुंह और आंखें खुली हुई थी। ये सब देख दोनों घबरा गए। विक्की बौखलाहट के साथ बोला, जुल्मी, ओ जुल्मी। ध्रुव ने उसकी नब्ज देखी और बोला, अबे जिंदा है। ध्रुव हैरानी से बोला, इसकी आंखें इतनी डरावनी कैसे हो गई और मुंह क्यों खुला है? ऐसा क्या देख लिया इसने? ये तो यही बता सकता है, लेकिन कसम से भाई, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। अभी ध्रुव और विक्की बात कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने और सिसकने की आवाज आई और ध्रुव हड़बड़ाते हुए बोला, ध्यान से सुन। यार ये रो कौन रहा है? तूने सुनी ही आवाज विक्की? विक्की हैरानी से उसे देखता हुआ बोला, कैसी आवाज? और फिर उसे भी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो। और वो बोला, ये आवाज, ये चीखे, ये कहाँ से आ रही है? और फिर ध्यान देने पर उन्होंने गौर किया कि आवाजें कुएं के भीतर से आ रही हैं। विक्की डरता हुआ बोला, ध्रुव भाई, यार ये कुएं के अंदर से आवाज कैसी? देख जुल्मी की क्या हालत है और ये सब। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, चल भागते हैं यहाँ से। लेकिन ध्रुव उसे रोकता हुआ बोला, अगर गड़बड़ है तो आज सारी गड़बड़ जान लेते हैं। इतना कहकर ध्रुव कुएं के पास जाने लगा और जैसे जैसे ध्रुव पास गया, कुएं की दीवार के पास पहुंचकर वो रुका और एक गहरी सांस लेकर एक झटके में कुएं में झांकने लगा। लेकिन सिवाय अंधेरे और साए साए करती हवा के वहां कुछ नहीं था। दूसरी तरफ पुजारी जी रघु के घर के बाहर खड़े सुमेर के लोगों से बोले, आज की रात रघु के लिए और इस गांव के लिए फैसले की रात है। अगर ये अमावस की रात कट गई तो समझ जाना हम सब गंगा नहा लिए। इसलिए कुछ भी हो जाए, सोना नहीं और चौकन्ना रहना। ऐसा बोलकर वो लालटेन लेकर वहां से चले गए। पुजारी जी के एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में जाप की माला थी, जिस पर वो लगातार कोई जाप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पुजारी जी उस वशीकरण खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे जिसका रास्ता कुएं के पास से होकर गुजरता था। विक्की ने दूर से ही एक रोशनी आती देखी और वो ध्रुव से बोला, यार कोई आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है कोई हमें आता देख चुका है और वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। यार अब हमारी खैर नहीं। ध्रुव ने भी उस रोशनी की तरफ देखा और जुल्मी की तरफ देखता हुआ बोला, इसे यहाँ छोड़कर कैसे जाएं? एक काम कर, इसे खींच और जल्दी छुप जाते हैं। इतना कहकर दोनों ने जल्दी से जुल्मी को उठाया और कुएं के पीछे छुपकर देखने लगे। कुछ सेकंड में ही पुजारी जी वहां से गुजरे और कुएं के पास पहुंचकर रुक गए और उसके इर्द गिर्द देखने लगे। इस काली मनहूस रात में उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ गए। उन्हें देखकर ध्रुव और विक्की दोनों एक दूसरे को देखने लगे और ध्रुव बोला, कि पुजारी जी इतनी फुर्ती से कहाँ जा रहे हैं? वैसे तो बहुत कहते हैं ये श्रापित जगह है और ये खुद बेधड़क घूम रहे हैं। हो ना हो ये पुजारी के साथ कुछ गड़बड़ है, ढोंगी होगा पक्का। तब तक पुजारी जी वहां से आगे निकल चुके थे और विक्की हड़बड़ी में बोला, उन्हें छोड़ और चल निकल यहाँ से, और पहले इस जुल्मी को होश में लाने के लिए कुछ करते हैं। यार मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, इसकी आंखें और मुंह क्यों खुला है? साला बस दिखने में सूखे पत्ते सा है, वजन किसी गेंडे से कम नहीं। अब जो भी है उठाकर ही ले जाना पड़ेगा, यहाँ पानी कहाँ से लाएं इसे होश में लाने के लिए। ध्रुव जुल्मी को कुएं की दीवार के सहारे बिठाते हुए बोला और अपने मोबाइल के टॉर्च से चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे कोई चीज चमकती हुई दिखी और वो उस तरफ बढ़ा और पास जाकर देखा तो मिट्टी में कुछ चमक रहा था, जिसे उठाकर देखते ही ध्रुव हैरानी से बोला, ये ब्रेसलेट, ये तो अनन्या का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? क्या हुआ ध्रुव, वहां क्या कर रहा है? पीछे से विक्की ने पूछा। ध्रुव ने वो ब्रेसलेट जल्दी से अपनी जेब में रखे और मन में बोला, नहीं ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, वरना खामखा अनन्या शक के घेरे में आ जाएगी। और फिर विक्की से बोला, नहीं मैं वो देख रहा था कहीं कुछ मिल जाए जिससे हम इसे होश में ला सके, लेकिन नहीं मिला। चल आ जा इसे उठाते हैं। विक्की जुल्मी को दूसरी तरफ से उठाता हुआ बोला, अगर गांव में कोई हमें ऐसे देखेगा तो पक्का समझेगा कि हम कोई लाश ठिकाने लगाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुजारी जी सीधा वशीकरण खंडहर के बाहर जाकर रुक गए और एक बार चारों तरफ देखकर खंडहर के भीतर चले गए। बरामदे से होते हुए उस विशाल कमरे के अंदर चले गए जहां चक्र बना हुआ था। पुजारी जी खुद से बोले, हे भगवान, जो मैं देखने आया हूँ वो अपनी जगह मिल जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लालटेन एक कोने में रखने के बाद पुजारी जी झोले के भीतर से लोहे का एक चौकोर टुकड़ा लेकर उठ खड़े हुए और चक्र के बीचों बीच बने हवन कुंड को लोहे के रॉड से हटाने लगे। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने जैसे तैसे उसे अपनी जगह से हटाया और जैसे ही उन्हें एक लोहे का डिब्बा दिखा, एक लंबी सांस लेते हुए मन ही मन बोले, हे ईश्वर, बस वो कांच की बर्नी सुरक्षित हो। पुजारी जी ने कांपते हाथों से लोहे का बक्सा निकाला और उसे जल्दी से खोला।
लेकिन जो चमक उस बक्से को देखकर उनकी आंखों में आई थी वो उसे खोलने के बाद गायब हो चुकी थी और उनके होठों से किसी तरह निकला। अनर्थ हो गया, वो अब मुक्त हो गई, वो पूरी तरह मुक्त हो गई। रक्षा करो प्रभु। इतना कहते हुए पुजारी जी उल्टे पैर वहां से भागे, लेकिन मन ही मन बोलते जा रहे थे, अब वो रघु को नहीं छोड़ेगी, वो हर कोशिश करेगी रघु को मेरी खींची रेखा से बाहर लाने की। हे भगवान, बस रघु को सद्बुद्धि देना कि वो बाहर ना आए। दूसरी तरफ गांव में रघु के घर में तनाव का माहौल था, क्योंकि रघु की 15 साल की बेटी को अचानक लगातार उल्टियां हो रही थी और उसका सर बुखार से तप रहा था। रघु परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला, मुझे जाने दे बिंदिया, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। बिंदिया हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जानते हैं ना पुजारी जी ने क्या कहा, आज अगर आप बच गए तो गंगा नहाने के बराबर है, चाहे कुछ हो जाए मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। रघु बेचैन होते हुए बोला, तो क्या करूं, मैं घर में बैठा रहूं और अपनी बच्ची की ये हालत देखता रहूं। बिंदिया ने बुखार में तपती अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखें छलक आईं और वो बोली, हे भगवान, क्या करूं, अगर बच्ची का दुख देखूं तो पति पर संकट और पति को देखूं तो बेटी की ये हालत। तभी रघु की गोद में बैठी उसकी बच्ची जोर जोर से खांसने लगी और तेज बुखार की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। ये देख रघु से रहा नहीं गया और वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं एक बाप होकर अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, धिक्कार है मुझ पर, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ वैद्य जी के पास, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया, हमारी बिटिया तो बच जाएगी। रघु ने ये कहा ही था कि उसी वक्त उसके सर पर कुछ गिरता है। उसने तुरंत उसे अपने हाथ से पकड़ा तो देखता है वो पूंछ कटी छिप गली थी। रघु ने घबरा कर तुरंत उसे दूर फेंक दिया। बिंदिया बौखलाहट के साथ बोलती है, ये क्या, ये तो छिपकली थी, ये बहुत बड़ा अपशकुन और ये इशारा है कि आपकी जान को खतरा है, अगर आप बाहर गए तो आपकी मौत निश्चित है, इससे बड़ा और इशारा क्या चाहिए, फिर भी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। रघु ने जैसे ही अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, बिंदिया ने अपनी पूरी ताकत से रघु को पकड़कर अंदर की तरफ खींचा और जोर से धक्का देते हुए अंदर वाले कमरे की तरफ ले गई और रघु को कमरे के अंदर डालकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बोली, इस वक्त आप एक पिता के नजरिए से सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक पत्नी और माँ दोनों के नजरिए से सोच रही हूँ, मुझे आप दोनों की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप तक पहुँचने से पहले उस बंजारन को मुझसे टकराना होगा। कहते हुए बिंदिया ने अपने कदम घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ाए और दरवाजा खोलकर उसने देखा, पंडित जी द्वारा बनाई गई सुरक्षा रेखा उससे बस एक कदम दूर थी। बिंदिया ने मन ही मन सोचा, वो बंजारन मेरे पति के पीछे पड़ी है, अपशगुन भी उनके साथ हुआ है, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूँ। इधर विक्की के घर पर विक्की, ध्रुव और छलावा जुल्मी को घेरे खड़े थे और एक टक उसे देख रहे थे। उसकी आंखें अभी भी सफेद थी और मुंह खुला हुआ। जैसे ही विक्की ने उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला, जुल्मी के शरीर में हरकत हुई और उसकी आंखों की काली पुतली वापस आ गई और उसका मुंह एकदम से बंद हो गया। तेजी से अपनी आंखें झपकते हुए जुल्मी ने देखने की कोशिश की तो खुद को 3 लंबे चौड़े लोगों से घिरा पाया। काफी देर से बेहोश जुल्मी का दिमाग अब भी सुन्न पड़ा था और इन तीनों को ऐसे सर पर खड़े देख वो दहाड़े मारकर रोता हुआ बोला, हाय अम्मा, हम तो सिधार गए। फिर गौर से ध्रुव और बाकी सबको देखने के बाद बोला, ए, तुम तीनों यमदूत तो नहीं हो, कहीं तुम भी तो नहीं उस भूतनी के हत्थे गए। जुल्मी की बात पर छलावा उसके पैर पर एक लात मारते हुए बोला, दर्द हुआ? जुल्मी अपना पैर सहलाता हुआ बोला, हाँ। छलावा उसे उठाकर खड़ा करते हुए बोला, तब तुम जिंदा हो, क्योंकि मुर्दों को दर्द नहीं होता। ध्रुव गुस्से से जुल्मी को घूरते हुए बोला, तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, और जरा सा कुएं के पास क्या गए, फट के हाथ में आ गई तुम्हारी। विक्की ने हैरानी से पूछा, ये बताओ तुमने कुएं के पास ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? जुल्मी ने याद करते हुए कहा, मुझे वो मैं वहां पर गया था तो मैंने जो देखा, यार सच बोलूं मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या देखा है, मैं वहां पहुंचा उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। छलावा बोला, क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी याद नहीं? ध्रुव ने जुल्मी को छेड़ते हुए कहा, जब डर लगता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं होगा। जुल्मी हड़बड़ा कर बोला, अरे मुझे कोई डर वर नहीं लगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग हमारा रुपीज तो दिया नहीं, तो हम क्यों तुम लोगों का मदद करते, देखो मेरी क्या हालत हो गई। विक्की ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला,
फिर शुरू हो गई इसकी। ध्रुव छलावा को घूरते हुए बोला, इसे ले जाओ यहाँ से। लेकिन फिर विकी कुछ सोच कर बोला, सुनो तुम लोग आज यहीं रह जाओ, रात बहुत हो गई है। रात जैसे तैसे कट गई और अगली सुबह सब ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ रघु का, क्या रघु जिंदा है। पाली गांव के लिए ये रात बहुत तनाव से भरी थी। रघु के घर के पास लोग इकट्ठा होने लग गए थे। सुमेर के आदमी अभी भी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। गांव के किसी आदमी ने पूछा, भैया कहाँ है रघु, अंदर ही है ना? सुमेर के आदमी ने जवाब दिया, हाँ काका रघु तो अंदर है, बस पंडित जी आए फिर रघु से मिलवाते हैं सबको। तभी सुमेर का एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सब जल्दी चलो कुएं के पास एक लाश मिली है। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए कि रघु अगर घर के अंदर है तो लाश किसकी मिली है। आखिर निशान तो रघु के घर के बाहर मिला था, फिर बंजारन ने किसी और को शिकार कैसे बनाया? क्या बंजारन इस बार चूक गई या ये उसकी कोई नई चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जब रघु घर में है तो मौत किसकी हुई है?